तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आप सभी को ट्रांसफार्मर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट जो आप सभी के AKTU फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, इसके पहले मैं आप सभी का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पे पाँचों यूनिट पर वीडियो बना दिया था, और डीसी मशीन के एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ों को एकदम अच्छे से क्लियर किया हूँ लगभग 5 से 6 वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर किया हूँ। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को भी फ्रेंड्स, जैसे हमने डीसी मशीन को ख़त्म किया है, ऐसे ही ट्रांसफार्मर को भी अच्छे से ख़त्म करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस और मेरे ऊपर विश्वास रखिएगा, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और खासकर आप बीटेक कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर में या फिर किसी भी ब्रांच में हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने चैनल के माध्यम से हम आप सभी के लिए, जितने भी आप सभी के सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाते रहते हैं, वन नाइट फाइट के क्लास देते रहते हैं। अगर आप पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं किए हैं, आप हमको फॉलो कर रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप 100% फ्रेंड्स कि आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे, आपके बैक लगने के बिल्कुल भी चांस नहीं रहेंगे, ठीक। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, हम आप सभी को जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट भी देते रहते हैं। तो जैसे कि आप बीटेक कर लेंगे, तो अच्छी अच्छी जो महारत्न कंपनियाँ रहती हैं, उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या होता है कि बहुत सारे मशीन्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर्स, इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर, डीसी मशीन, सिंगल फेज मोटर, स्पेशल मशीन। लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है? ट्रांसफार्मर। तो चलिए हम ट्रांसफार्मर के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर को एक बार हम अपने भाषा में बताते हैं, इसके बाद फिर अपने नोट्स के माध्यम से जो चीज़ें लिखे हैं उसको समझाएंगे। तो देखिए, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और कंसंट्रेट हो जाइए एकदम। ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है, ये ट्रांसफ़र करता है। मतलब किसको ट्रांसफ़र करता है? पावर को। या फिर ऐसा समझे, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये करता क्या है? पावर को या फिर वोल्टेज या फिर करंट को एक लेवल से दूसरे लेवल में चेंज करता है, विदाउट नो चेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी के मान में बिना चेंजेस लाए पावर को एक लेवल से दूसरे लेवल में चेंज करने का काम करता है आपका ट्रांसफार्मर, ठीक। तो समझिए, ट्रांसफार्मर को परिणाम मित्र बोलते हैं, लेकिन आप बीटेक में हैं तो आपको हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनोदर इलेक्ट्रिकल सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी, विथ स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, विथ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इनक्रीज इन द करेंट। तो देखिए, ट्रांसफार्मर करता क्या है? फ्रिक्वेंसी के मान में बिना चेंजेस किए वोल्टेज को या फिर करेंट को कम से ज़्यादा या फिर ज़्यादा से कम में चेंज करता है, ठीक। जब ये वोल्टेज को लो से हाई में चेंज करता है तो उसको कहते हैं स्टेप अप, और जब वोल्टेज को लो, हाई टू लो चेंज करता है तो उसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं। अगर आप एप्लीकेशन के आधार पर देखेंगे तो ट्रांसफार्मर के प्रकार दूसरे होते हैं। वोल्टेज के अकॉर्डिंग दूसरा होता है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दूसरा होता है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग स्टेप अप स्टेप डाउन, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेल टाइप, कोर टाइप, पैरी टाइप, और फेज सप्लाई के आधार पर देखेंगे तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस कहते क्यों हैं? स्टैटिक डिवाइस करने का बस मतलब यही होता है ट्रांसफार्मर का, किसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, ठीक है। बिकॉज देयर इज नो एनी मूविंग और रोटेटिंग पार्ट, इसलिए दैट्स वाई देयर इज नो एनी रोटेशनल लॉस। तो देखिए, ट्रांसफार्मर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इस वजह से इसमें कोई रोटेशनल लॉस नहीं होता, ठीक। रोटेशनल लॉस के अंतर्गत विंडेज लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस आपके आते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं, व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज वेरी हाई। तो आप सभी सुने होंगे या पढ़े होंगे कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, नियर अबाउट 98% के इक्वल। तो इसका रीज़न बस यही है कि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी इस वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें लॉसेस जो होता है ये रोटेशनल लॉसेस नहीं होता है, बिकॉज देयर इज नो एनी रोटेशनल लॉसेस। ए वेल डिजाइन पावर ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी ईटा 98%। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है वो नियर अबाउट 98% के इक्वल होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये ट्रांसफार्मर का कोर है और ये ट्रांसफार्मर का लिंब बोला जाता है। तो जो आप सभी का
कोर होता है वो लेमिनेटेड किया जाता है। और लेमिनेटेड क्यों किया जाता है कोर? ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे, यह है कोर, लेमिनेटेड हाई कोर इज मेड टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। आगे देखिए, योक का क्रॉस सेक्शन एरिया 10-15% हाई होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लिम। तो जो आपका ये योक होता है, पूरा योक मतलब आउटर सेक्शन, ट्रांसफार्मर का योग आपको दिखता है, ठीक, लिम्ब नहीं दिखता, लिम्ब अंदर रहता है योग के। तो योग जो होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो 10-15% ज़्यादा होता है इसके लिम्ब के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक। अब ऐसा होता है क्यों? रीजन, देखिए हर एक बात में क्यों छुपा है। जब आप क्यों का चीज़ मतलब आंसर निकालेंगे ना, तभी मज़ा आएगा आप सभी को इलेक्ट्रिकल पढ़ने में। तो क्यों, तो इसका रीजन बस यही है फ्रेंड्स कि आप जानते हैं ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, फ्लक्स डेंसिटी के। और फ्लक्स डेंसिटी बराबर क्या होता है? बी बराबर 5/A होता है। तो मतलब क्या समझ रहे हैं? मतलब ए, एरिया जिसका ज़्यादा उसका फ्लक्स डेंसिटी कम। तो जिसका फ्लक्स डेंसिटी कम उसमें होने वाली हिस्टेरेसिस लॉसेस और ईडी करंट लॉसेस की वैल्यू कम होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि योग, यार योग है ना, योग तो आउटर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लगाते हैं कि कोई बाह आघात वगैरह ना हो उसमें, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी ना हो। तो अब योग में अब लॉसेस क्यों कराना? तो हम चाहेंगे कि योग में लॉसेस कम हो, इस वजह से हम लोग योग का एरिया ज़्यादा रखते हैं, जिसके वजह से फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कम आती है बी मैक्स बराबर 5/A के फार्मूले से। ए ज़्यादा तो बी मैक्स कम, ठीक है, जो बी मैक्स कम थे हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉसेस की वैल्यू कम, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी मैक्स के, ठीक फ्रेंड्स। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए, अब चीज़ें आपको समझ में आएगी। हिस्टेरेसिस लॉस ओमेगा WH मतलब हिस्टेरेसिस लॉस, ईटा बी मैक्स 1.6 फ्रिक्वेंसी वोल्टेज, और ईडी करंट लॉस है ओमेगा ई बराबर ईटा बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वैल्यूम। तो कोर लॉस जो होता है हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस से मिल के बना होता है, और जो सभी का हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो बी मैक्स के 1.6 घाते के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ईडी करंट लॉस जो होता है वो बी मैक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। सब यहाँ पर देखिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हमने बना रखा है, ये है सभी का कोर, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं, ये दोनों लोड करंट जा रही है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और लोड कनेक्ट किए हैं स्विच को कनेक्ट करके। तो जो इसमें नो लोड करंट होती है ट्रांसफार्मर में, वो अपने फुल लोड करंट का 3-5% होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नो लोड करंट जो होता है अपने फुल लोड करंट का 3-5% होता है, ठीक। अब ये जो एरिया ज़्यादा रखते हैं योग का, वो तो हम समझा दिए हैं। तो वही चीज़ देखिए आगे है कि लिम्ब में फ्लक्स डेंसिटी 5 मैक्स अपन एरिया ऑफ आयरन लॉस आयरन कोर। तो वही चीज़ है। तो आप आगे देखिए, ये है आप सबके सामने कोर टाइट ट्रांसफार्मर। तो कोर टाइट ट्रांसफार्मर आप लोग बना लीजिए। कोर टाइट ट्रांसफार्मर देखिए ऐसा बनता है, इसमें कंसेंट्रिक वाइंडिंग यूज करते हैं, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, इधर सप्लाई, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, ये है लोड, ये है आपका बीच वाला पार्ट कोर। तो जो इसमें वाइंडिंग की गई होती है वो कंसेंट्रिक वाइंडिंग, और कंसेंट्रिक वाइंडिंग को आप लोग सिलेंड्रिकल वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कंसेंट्रिक वाइंडिंग आपका कुछ ऐसा दिखता है, और ये है आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और अगर इसमें हम इनपुट पावर की बात करें, तो आप सभी का इनपुट पावर जो होता है वो VI होता है, आउटपुट पावर V1 I1 होता है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज और यहाँ पे जो जाने वाली करंट है ये इनपुट करंट। तो इनपुट पावर जो होगा वो V1 I1 होगा, और आउटपुट पावर हो जाएगा आप सभी का V2 I2। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर का इफिशेंसी होता है वो नियर अबाउट 98% के इक्वल होता है। और अगर इफ़ ट्रांसफार्मर इज आइडियल, अगर इसमें हम लॉसेज को कंसिडर नहीं करते हैं, तो असुविधा का क्या होता है? V1 I1 बराबर होता है V2 I2 के, ठीक। इन केस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोथ द वाइंडिंग आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बिकॉज देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, बोथ द वाइंडिंग आर मैकेनिकली कनेक्टेड बाई द मीन्स ऑफ मैग्नेटिक कोर विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। तो देखिए, कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है इसके जो दोनों वाइंडिंग होते हैं ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं। मैग्नेटिकली कनेक्टेड कैसे होते हैं आप समझिए, इसके प्राइमरी में हम लोग सप्लाई देंगे तो इसमें करंट जाएगी। अब जब करंट इस वाइंडिंग से होकर के जाएगी, इस AC देते हैं ट्रांसफार्मर में, कभी भी DC नहीं देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगर DC देंगे तुरंत आपका ये कॉइल जल जाता है। तो इसके कारण कॉइल में जब करंट रोटेट करेगी तो इसके कारण यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और फ्लक्स के कारण यहाँ पे एक EMF प्रोड्यूस होगा, ठीक। अब ये फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे जा करके इस वाले फ्लक्स से लिंक करती है। तो इसमें भी जब फ्लक्स लिंक करेगी किसी कंडक्टर को काटेगी, तो आप सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लॉ अकॉर्डिंग टू